गुरुग्राम पुलिस के शिकंजे में आए ये तीनों आरोपी पहले पैसे वाले शिकार को ढूंढते थे, फिर उसे सेक्स टोरेक्शन के रूप में लाखों करोड़ों वसूलते थे। दरअसल अपने आप को तलाकशुदा बता पिंकी नाम की इस लड़की ने एक ट्रांसपोर्टर से पहले दोस्ती की और फिर मिलने के बहाने अपने घर बुलाया और आरोप है कि ट्रांसपोर्टर को नशे में कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो के बाद पिंकी ने अपने पति के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस का दावा है कि पिंकी पहले बैंक में काम करती थी और महज 31 साल की उम्र में ही बड़े सपने संजो अपने पति के साथ सेक्स टोरेक्शन का रैकेट चलाना शुरू कर दिया। लोगों की नजरों से बचने के लिए इन्होंने एक और साथी को अपने साथ मिला ड्राई फ्रूट बेचने की कंपनी बनाई, लेकिन असली काम ड्राई फ्रूट बेचना नहीं बल्कि तीनों सेक्स टोरेक्शन का धंधा चला रहे थे। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दे ट्रांसपोर्टर से 60 लाख नगद, घर का फर्नीचर और काफी ज्वेलरी के साथ क्रेटा गाड़ी वसूल चुके थे, लेकिन इन तीनों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर ट्रांसपोर्टर से 30 लाख नगदी की डिमांड की, लेकिन अब की बार पीड़ित पुलिस के पास पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसीपी का क्या कहना है, सुनिए जरा। हमारे सिविल लाइन की एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम के नेतृत्व में काम करते हुए एक ऐसे सेक्स टोरेक्शन गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है, जो लगातार एक ट्रांसपोर्टर एक व्यक्ति था और उससे उन्होंने 60 लाख के करीब नकदी हड़प ली थी इसी तरह से धमकी देके, और उससे बहुत सारा घर का सामान, फर्नीचर, फ्रीज और ज्वेलरी, और अभी 30 लाख की और डिमांड कर रहे थे। ये ट्रांसपोर्टर जो है ये यहाँ 32 माइलस्टोन के पास इसकी एक पिंकी नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी, और जब उनसे फिर फ़ोन पे बात हुई तो उसने सेक्टर 15 में उसको बुलाया एक मकान में, और ये कहा कि भी मेरा मेरे पति से जो है ना अलगाव हुआ है और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, और उसको वहाँ पे बुला के कोल्ड ड्रिंक्स में उसको कोई इस तरह का नशीला पदार्थ दे के और उसकी अश्लील वीडियो बना के, और उसके बाद उसको ये धमकी दी गई कि या तो जैसा मैं कहूँ वैसे तुम करो, नहीं तो हम ही इसको वायरल कर देंगे। उसके साथ ही उसका पति भी मिला हुआ था और एक उसका जो दोस्त था पृथ्वीपाल वो भी मिला हुआ था, तो तीनों ने मिल के इस पर लगातार प्रेशर बना के और लगभग 60 लाख रुपये उससे हड़प लिए थे, और अब दोबारा से और एक क्रेटा गाड़ी और फर्नीचर और कुछ जो जेवरात थे वो भी उसके दबाव बना के। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस अब तीनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि सेक्स टोरेक्शन के जरिए वसूली गई रकम और सामान की बरामदगी हो सके और साथ ही ये पता लगाया जा सके कि इनके शिकार और कौन कौन हुए हैं। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।